भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रदेश की चारों सीटों पर भाजपा के बड़े मार्जिन से जीत हासिल करने का दावा किया है। रोहडू में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा की जीत का दावा करते हुए बिंदल ने कहा कि लोगों ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार एक बार फिर झूठ की गारंटियां देकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। दीवारें खराब कर दी इन्होंने गारंटियां लीक लीक करके। आज डेढ़ साल के बाद वही नेता जो दिल्ली से पहले आए थे, झूठ खूब सारा फेंक करके चले गए थे, अब दोबारा आकर के फिर झूठ फेंक रहे हैं। पहली बार कहा पहली कैबिनेट, आपका मुख्यमंत्री तो बोल रहा है मेरा खजाना खाली है, तुम बोल रहे हो टकाटक 1,00,000 रुपया देंगे। हिमाचल प्रदेश की जो जनता है उसको लगातार ये अपनी बेईमानी से, अपने और झूठ से ठगने में जुटे हुए हैं।